हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आलू और मटर की सब्जी आप विद कोकोनट ग्रेवी कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस है और आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर से लिखें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियो के साथ आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब्ज़ी हम कैसे बना सकते हैं। सब्ज़ी को बनाने के लिए इसमें जो सामग्री चाहिए उसमें 4 आलू कटे हुए, 2 टमाटर कटे हुए, हरी मटर, 1 बड़ा चम्मच मलाई, 2 चम्मच नारियल पाउडर, 3 चम्मच सरसों का तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और 1 कप पानी चाहिए। पहले फ्राई पैन में आपको सरसों का तेल या रिफाइंड, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, पहले आप उसको गर्म कर लें और जब वो हल्का गर्म हो जाए फिर उसमें जीरा डाल दें। जब जीरा ब्राउन हो जाता है फिर आप उसमें कटा हुआ टमाटर डाल दें। और उसको अच्छे से भून लें। फिर आधे मिनट के बाद जो घिसा हुआ कोकोनट है या फिर जो मार्केट में पाउडर अवेलेबल होता है उसको 2 चम्मच आपको इस टमाटर के साथ मिला लेना है और इसको फ्राई करना है। जब टमाटर और कोकोनट पाउडर को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो थोड़ी देर बाद उसमें मसाला, रेड चिली पाउडर और हल्दी मिला लेते हैं और फिर इसको अच्छे से भून लेते हैं ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच मलाई डालेंगे। और इसको अच्छे से मसाले के साथ मिला लेंगे और थोड़ी देर तक इसको भी पकाएंगे। फिर मसाले में 1 चम्मच नमक मिलाएंगे। अब भुने हुए मसाले में कटे हुए आलू के पीसेस डाल लेते हैं और इसे हम अच्छे से मसाले के साथ मिला लेंगे। आलू को मसाले के साथ हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसे हम ढक देते हैं और 5 से 7 मिनट तक आलू को मसाले के साथ पकने देते हैं। सब्जी को हमने अच्छे से अब भून लिया है। अब इसमें हम हरी मटर डाल देंगे। और फिर इसे अच्छे से हम चला लेते हैं। फिर इसमें हम 1 कप पानी डाल देते हैं। पानी को सब्जी के साथ अच्छे से मिलाने के बाद इस पे हम ढक्कन लगा देते हैं
और 2 मिनट तक इसे पकने देते हैं धीमी आंच पे, ताकि ये अच्छे से पक जाए। ढक्कन को हटा के अब आप सब्जी को चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। अब आप गैस बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आलू और मटर की सब्जी विद कोकोनट ग्रेवी बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही डिलीशियस है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और ये साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो इसे आप घर पर ट्राई कर सकते हैं और इसके खाने का मज़ा ले सकते हैं।